क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.2 आपको बोला है ई पावर 2x+3 इसको इंटीग्रेट करना है. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. हम लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग. नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो पोर्शन है 2x+3 इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ. मुझे ऐसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाए. यहाँ पे और कुछ है नहीं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि मैं इसके पावर को टी पुट कर दूँ. इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे dx बच जाएगा, टी विल बिकम dt. तो dx मुझे dt मिल जाएगा अपॉन 2. यहाँ पे 2 था उसको मैंने वहाँ भेज दिया. अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई जो है हमारा बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर 2x+3 विच इज़ नथिंग बट टी, dx बिकम्स dt बाय 2, तो हम dt अपॉन 2 लिख लेंगे. आई सॉल्व इट आउट. तो मुझे मालूम है इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स dx इज़ नथिंग बट ई पावर एक्स प्लस सी. तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ई पावर टी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे अपॉन 2 था तो उस अपॉन 2 को मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा. टी की वैल्यू मैं वापस पुट कर दूंगा विच वॉज नथिंग बट 2x+3. तो हमारा आंसर देयरफॉर आई इक्वल्स टू ई पावर, हम यहाँ पे हाफ लिख लेंगे सबसे पहले बिकॉज आई हैव अ 2 देयर. टी की वैल्यू थी 2x+3 तो हम 2x+3 लिख लेंगे और एक प्लस सी लिख लेंगे. दिस इज माई फाइनल आंसर.